वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल, दिस इज तेज शेयर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पेशेंट ऑफ फोबिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख लेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की सबसे पहले नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और डायग्नोसिस हो जाएगा। इसके बाद प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट लिख लेंगे पेशेंट की। प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट लिखने के बाद में हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिखेंगे। इसके बाद ट्रीटमेंट हिस्ट्री और फिर पास्ट साइकाट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री लिख लेंगे हम। ये दोनों हिस्ट्री लिखने के बाद में पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, भाई पेरेंटल हिस्ट्री कैसी है, जिसके अंदर की इंटरनेटल पीरियड आ जाएगा, इंटरनेटल पीरियड, बर्थ किस प्रकार का था, नॉर्मल डिलीवरी थी या फिर एबनॉर्मल थी, जैसे कि LSCS, ऑब्स्ट्रक्ट लेवर, जो भी है। इसके बाद बर्थ डिफेक्ट वगैरह तो नहीं था कुछ, पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखेंगे हम। इसके बाद चाइल्डहुड हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, प्राइमरी केयर गिवर कौन था, फीडिंग किस प्रकार की थी, एज ऑफ वीनिंग क्या है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन कैसे हैं, बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम। इसके बाद में एजुकेशनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, ठीक है, ये एजुकेशनल हिस्ट्री हो जाएगी। एजुकेशनल हिस्ट्री के बाद में प्ले हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की। प्ले हिस्ट्री के बाद इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंट, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। फिर प्यूबर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। प्यूबर्टी के बाद में ऑक्यूपेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ऑक्यूपेशन के बाद मैरिटल हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, पेशेंट मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है, ठीक है। इसके बाद प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि IPR कैसा है पेशेंट का, फैमिली एंड सोशल रिलेशन कैसे हैं, यूजुअल स्ट्रेस रिएक्शन कैसा है, प्रेडोमिनेंट मूड कैसा है, ये हमारा हिस्ट्री हो जाएगा। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें लिख लेंगे। फिर जनरल एग्जामिनेशन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP वगैरह, ये सब कैसा है, ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे हम। इसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिखेंगे हम, जिसके अंदर सबसे पहले जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, भाई अपीयरेंस कैसा है पेशेंट का, फेशियल अपीयरेंस कैसा है, लेवल ऑफ ग्रूमिंग कैसी है, कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। इसके बाद बिहेवियर, आई टू आई कॉन्टैक्ट, साइकोमोटर एक्टिविटी, पोस्चर, अदर कोई मूवमेंट है तो उसके बारे में लिखेंगे, अदर कैटेगरी एक्टिविटी, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में लिखेंगे हम। इसके बाद स्पीच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि इनिशिएशन कैसा है स्पीच का, रिएक्शन टाइम कैसा है, रेट कैसी है, प्रोडक्शन कैसा है, टोन कैसी है। फिर मूड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि मूड प्लीजरेबल है, अनप्लीजरेबल है या फिर अदर कोई है, ठीक है। इसके बाद थॉट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि फॉर्मेशन, प्रोग्रेशन, कंटेंट कैसा है, जो भी है वो उस पर हम टिक कर लेंगे, जैसे यहाँ पर फोबिया वाले पे कर रखा है, ठीक है। इसके बाद परसेप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम। परसेप्शन के बाद कॉग्निटिव फंक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेशन कैसा है, अटेंशन कैसा है, जजमेंट कैसा है। इसके बाद मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे हम। मेमोरी के बाद मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, हाइपर एक्टिव है, डिसएक्टिव है, डिक्रीड एक्टिविटी है। फिर हम इनसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, रिलेटेड टू 1 to 6 पॉइंट स्केल, ठीक है। कंप्लीट डिनाइल टू इलनेस, स्लाइट अवेयरनेस बींग सिक, ये जो भी है जिस पे कंडीशन पेशेंट हो उस पर हम टिक कर लेंगे। इसके बाद नीड ऑफ पेशेंट लिखेंगे, जो जो हमको फुलफ़िल करनी है पेशेंट्स की नीड, ये नीड्स हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, भाई हमने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है तो कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कमी लगी कोई तो वो भी बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।